हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। एंटरटेनमेंट आपको बहुत झटके देगा। सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, आपको बोर होने नहीं देगा। हो सकता है आप अपने रिश्तेदार की शादी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने फेवरेट शो की शादी देखना नहीं भूल सकते भाई, क्योंकि इतना बड़ा ट्विस्ट होगा जहाँ आपका दिमाग घूम जाएगा। आप भूल जाएंगे कि अपने रिश्तेदार की शादी में कौन सी ड्रेस पहननी है शादी में, लेकिन दिमाग में वही रहेगा कि हमारे फेवरेट शो में शादी आखिरकार होगी किससे। और जब आपको पता चले शादी का इतने बड़े फंक्शन हो गए, सब कुछ हो गए, एंड टाइम पे शादी कैंसिल, यार ऐसा मन करता है उठा के जो भी चप्पल झाड़ू हाथ में हो टीवी फोड़ दे। कई लोग तो फोड़ भी देते हैं, फिर उनके घर वाले उनका क्या हाल करते होंगे पता नहीं। तो चलिए, मैं आपको ऐसे ही टॉप 8 शो की खबर देने वाली हूँ जो कि शादी का ट्रैक दिखाकर टीआरपी बढ़ाने वाले हैं। भाई एक फैक्ट होता है कि शादी का ट्रैक दिखाओ, टीआरपी बढ़ाओ। कई शो में आप देखते हैं ना कि यार शादी शादी दिखाते रहते हैं, कुछ और रहता भी है नहीं इसमें, तो उन्हें पता है यार शादी से ही टीआरपी निकल जाती है। तो चलिए हम बताते हैं वो 8 शो कौन से हैं। नंबर 1 पे है मंगल लक्ष्मी का ट्रैक। भाई मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी की शादी हो रही है और ऐसे में टीआरपी बढ़ना शुरू हो गई है। इस हफ्ते भी जो है जनाब ने जो है टॉप 10 में एक अच्छी पोजीशन बना ली है। फैंस तो बागवान हो गए, अरे वाह हमारी मंगल कर गई कमाल। अभी तो मंगल लक्ष्मी दोनों कमाल करेंगी जब शादी के ट्रैक के मंडप में कुछ ना कुछ ड्रामा होगा फेरों में, और यही देखने के लिए फैंस एक्साइटेड है आपकी शादी होगी या नहीं होगी। नंबर 2 की पोजीशन पे है आपका रब से है दुआ। गूगल पे टॉप 5 में सर्च हो रहा है आखिरकार शादी होगी किससे, इबादत से या फिर किससे। तो आपको क्या लगता है, इसे देखने के लिए ही तो रब से दुआ वाले शो जमकर जो है प्रमोशन कर रहे हैं। नंबर 3 की पोजीशन पे है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता में शादी ट्रैक ना हो जाए, महाभारत हो जाए। यहाँ पे तो उनकी जो है एक्स पत्नी ही मैरिज ब्यूरो का काम कर लेती हैं, या फिर हम ये कहें कि भैया जो है मैरिज में सारी डेकोरेशन, यहाँ तक कि लेडी संगीत में भी वही डांस करती है। मुझे तो कई बार ऐसा लग रहा है मैं कोई मूवी देख रही हूँ यार, हीरोइन नाच रही है, जैसे तन्नू एंड मन्नू मूवी थी ना कि मैं तेरी शादी करूँगी, तेरी शादी में नाचूंगी देख, और यहीं पर सारी बोतलें तोड़ूंगी। तो भैया पर क्या करें, हमारी अभीरा तो सपनों में खो रही है कि मैं अरमान को प्यार का इजहार कर रही हूँ। फैंस का दिल खुश हो जाता है ख्वाब देख कर ही। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अरमान की शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो रूही से होगी या फिर अभीरा से होगी। अब बात आती है आपके नंबर 4 की पोजीशन पे है तेरी मेरी डोरियां। साम दान दन भेस सब कुछ कर लिया, 5 साल का लीव दे दिया, बच्चे का ट्रैक दिखा दिया, सब कुछ कर लिया। अब इन्होंने सोचा भैया क्यों ना शादी का ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जितनी बार शादी का ट्रैक दिखाया है इनकी टीआरपी बढ़ती बढ़ती है। तो अब जो है अंगद और साहिबा किसकी शादी होने वाली है वो तो आप टीवी शो में देखना। तो फिलहाल शादी ट्रैक दिखाने वाले हैं, अब तेरी मेरी डोरिया के पास लास्ट ऑप्शन है, शादी दिखाओ टीआरपी बढ़ाओ। फिर आता है आपका कैसे मुझे तुम मिल गए। यार इस शो का प्रोमो कितने दिन पहले दे दिया था शादी का, पर शादी ना दिखा रहे हैं लोग, लोग बेचैन हैं, फैंस बेचैन हैं। अरे यार शादी दिखाएंगे भी नहीं है, भूल गए। अरे नहीं भूले नहीं है, अभी थोड़ा सा एक्स को तैयार कर रहे हैं, एक्स भी तो आएगी ना शादी में, जब भी तो ट्विस्ट बढ़ेगा। फिर आता है आपका उड़ारियन। उड़ारियन तो देख ही रहे हो आप, जहाँ पे मैरिज ट्रैक दिखा रहे हैं, एक उड़ारियन जब से शुरू हुआ है ना मुझे लगता है इसमें 50 बार शादी दिखा दी होगी। अब तो उड़ारियन में शादी आती है ना तो टीआरपी बढ़ती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं भैया एंड टाइम पे ऐसा क्या हो जाएगा शादी में, तो इसीलिए शायद टीआरपी बढ़ जाए। फिर आता है आपका प्यारा सा शो, जिसे देखकर तो मैं भी कहूँ कि भैया इसको तो अब कुछ नहीं कर सकती। स्टार प्लस का खट्टा मीठा प्यार हमारा, जाने को तैयार है पर शादी जरूर दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई शादी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि शादी वाले से इनकम बड़ा बजट में आ जाता है। तो ऐसे में भैया जो इन्होंने प्रोमो शुरू में ही दे दिया था कि शादी हो जाएगी, अब दिखाने वाले हैं वो शादी, मन तो कर रहा है उठा के ना बस क्या कर दूं यार। जब शो कोई बंद होता है ना, वजह होती है कि स्टोरी लेट दिखाई है, तो यार इसमें सबसे बड़ी गलती मुझे है ना डायरेक्टर बाबू की लगती है। मेरे से मिल ले डायरेक्टर बाबू तो मैं बता दूं भैया जल्दी क्या दिखाना है। आप कहेंगे कृष्णा मोहिनी में इतनी जल्दी दिखा दिया तो टीआरपी काहे बढ़ेगी, क्या दिखाया उसमें, अरे दिखाया क्या, मेरे से बात करो। अब बात आती है आपके सबसे बड़े शो, इसे देखकर तो मैं भी जरा कहूँ कि भैया शो नहीं है महान है, अनुपमा।
लिम्पी की शादी है, चक्कर चुक्कर आएंगे, अनुपमा पहुंच जाएगी और शादी में पता चले पाखी बैठ जाए। लो कर लो टाटा बाय, डिम्पी की शादी धमाकेदार होने वाली है। भैया हम यहाँ पे जो है ना अनुज की शादी तो भूल ही गए हैं, अनुज की तो शादी होने वाली थी ना, हम यहाँ डिम्पी की शादी की चिंता कर रहे हैं। तो भैया शादी शादी देखने को मिलने वाली है, इधर डिम्पी की शादी करा के जाएगी, फिर उधर जो है अनुज की शादी कराएगी, बस अनुपमा तो इसी में उलझी रहेगी। तो चलिए ये हैं आपके जो टॉप 8 शो हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि कोई से शो की जो है टीआरपी नहीं बढ़ेगी? भाई शादी दिखा लो, ड्रामा दिखा लो, कुछ भी दिखा लो, उस शो का कमेंट करके नाम जरूर लिखना। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।